17,000 एम टेक एम एस सी पीएचडी करे हुए बच्चों को खट्टर साहब क्या भर्ती करते हैं? चपरासी फोर्थ ग्रेड की नौकरी पे लगाते हैं। साथियों यह चीज समझो कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों को छीनकर दूसरे प्रदेशों को देने का काम खट्टर साहब ने किया। आज खट्टर साहब कहते हैं कि भाई राज दोबारा बना दोगे तो फिर ये दूसरे डिस्ट्रिक्टों में पेपर देने की बात खत्म कर दूं। 5 साल सरकार में रहे, हजारों लाखों बच्चों को अलग अलग पेपरों के लिए बसों में धक्के कटवाए, खट्टर साहब ने नहीं कटवाए। मैं तो धन्यवाद करता हूं उस बहन का जिसने फेसबुक पे अपना पेपर देने के बाद एक वीडियो डाली कि खट्टर साहब मैं तो 300 किलोमीटर धक्के खाए, मेरा तो सिलेबस के बाहर का पेपर था, मगर सोच लियो 21 तारीख ने तेरा भी पेपर है। क्या था नहीं क्या था चोरी ने? तो उस बहन को धन्यवाद करो और इस बार साथियों इतने कर दे के मेहनत कर दो कि खट्टर साहब के समय दिन आए कि फिजिक्स का पेपर आया, केमिस्ट्री का पेपर आया, ये कमल खिलेगा नहीं। अगर इस प्रदेश में चलेगी तो उस बंद ताले की चाबी चलाने का काम करेंगे। साथियों मैं तो निवेदन करूंगा आपसे, हालात देखो, आज अमित शाह की रैलियां थी, किस किस के थी? नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु के थे, इलाहाबाद में थी, बराड़ा के टुहाना में थी, मैदान छोड़ के भाग गए, रैली में नहीं आए। इनकी फूट देखो, पिछली बार आए तो अपने साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेकर नहीं घूमे, इस बार आए तो मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र से अमित शाह की फोटो गायब कर दी। इसकी बीजेपी की तो अंदरूनी फूट दिन प्रतिदिन सामने हमें देखने को मिल रही है, मगर साथियों उसका फायदा उठा लो। तारा राज बनने जा रहा है, राज बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो फिर आप जैसे कार्यकर्ता कर सकते हो। साथियों इनके पास दो चीज है जो थारे पास नहीं, एक तो घने पीछे हो रखे, 1,000 करोड़ रुपया इनके 1 साल के खाते में चंदा आता है, 1,000 करोड़ तो नहीं जुटा सकते। और दूसरी ताकत है मीडिया की ताकत, आज अखबार खोल लो, आज टीवी खोल लो, मोदी ने कचरा उठाया, मोदी ने न्यू किया, मोदी न्यू 4 कदम चला, मोदी इसके जप्पी भर गया, ये आता है नहीं आता? और सच पता चलता है कि कचरा ठाने गया उससे पहले 8 लोगों ने तो पूरा का पूरा समुद्र का किनारा साफ किया, फिर सिक्योरिटी गार्ड रेकी कर गए कि कोई बम बूम ना हो, और उसके बाद 4 लोगों ने कचरा फेंकने का काम किया जिसको आगे मोदी ने ठाया। मगर टीवी वाले कितने सुतरी ढाल दिखाते हैं ना, मेरा नहीं कोई नई बहू लेके आया। साथियों इनकी पोल खुलती जा रही, मोदी तो सिर्फ फोटो फोटो दिखाने का रह गया, मगर साथियों अब फैसला आपने करना है। आज इनकी मीडिया की ताकत और मनी की ताकत के आगे एक चीज हमारे पास है, वो है मैन पावर, कार्यकर्ताओं की शक्ति। और ये जो सेना यहां बैठी है, मैं तो धन्यवाद करूंगा अनिल जैन का, ये धीरे धीरे बौखलाहट में बेरानी के बोलने लगे। खट्टर तो फरसा गर्दन पे लगा के कहता है गर्दन काट दूंगा, उचाणा वाली इनकी उम्मीदवार कहती है कोई आंख दिखाए तो उसकी आंख काट ले, आदमपुर वाली कैंडिडेट इनकी कहती है कि भाई कोई भारत माता के जय के नारे ना लगाए तो पाकिस्तानी है, और अनिल जैन कहता है दुष्यंत तो बांदर है आग लगाता घूम रहा। मुझे ये बता दो 5 साल पार्लियामेंट में रहा, इनने ट्रैक्टर को ट्रक बनाने का प्रयास किया, बाडा की बाडा पार्लियामेंट में ट्रैक्टर बाडा बनवा के लाया। साथियों किसान की बात आई, कमेरे की बात आई, जब जब पार्लियामेंट में बोला तो केवल मात्र आपके लिए बोला, आपकी आवाज कमेरे किसान की आवाज बनकर बोला। मगर अनिल जैन जी कहते हैं कि दुष्यंत तो बंदर है। साथियों उसका क्या बुरा मानना, बंदर तो हनुमान जी का रूप है नहीं है, और जब इतने बंदर इकट्ठे हो जाए तो वानर सेना हमारी तैयार है। और जैन साहब ये आपको बता देता हूं, ये 6 दिन मेहनत किए हैं इस वानर सेना के, एक 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 पत्थर लगाएंगे जिसमें एक पत्थर मारा पुंडरी का भी गिरेंगे जिता के, और राम सेतु चंडीगढ़ तक बनाएंगे, और ये मान लेना कि ये वानर सेना आपके रावण राज को हटाकर चंडीगढ़ के अंदर राम राज स्थापित करने का काम करेंगे। साथियों मैं तो ये विनती प्रार्थना करता कि आज हमने उठा के देख लो उम्मीदवारों की लिस्ट, आज के दिन
बीजेपी का कोई सा कैंडिडेट बताओ जो करोड़पति ना, ऐसे ऐसे धन्ना सेठों को टिकट दे, टिकटें खरीदने का काम किसका था? अनिल जैन का। प्रभारी यूपी से बन गया और हरियाणा प्रदेश में टिकटें बेचने का काम करा। पर साथियों, जेजेपी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने देखो युवा को टिकट दी। कोई मजबूत घर से तो नहीं है, कोई धन्ना सेठ करोड़पति तो नहीं है। आपके पड़ोस में चले जाओ, आज पेवा के अंदर प्रोफेसर रणधीर सिंह को टिकट दिए, टीचर ही है। आप आगे चले जाओ, योगेश शर्मा इनसो का एक गरीब ब्राह्मण साथी था, उसको मैदान में उतारा। करनाल चले जाओ, तेज बहादुर यादव जिसको नौकरी से काट दिया, उसको चुनाव लड़ाने का काम किया। साथियों, आप चले जाओ महेंद्रगढ़, एक फौजी को टिकट देने का काम किया। पानीपत शहर चले जाओ, जयदेव नोड था इनसो का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, के जिम्मेवारी है इनसो छात्रों की लड़ाई लड़ना, उसको चुनावी मैदान में उतारा। साथियों, हमने तो हर वर्ग के, अपने संगठन के हर हिस्से को जिम्मेवारी देकर मैदान में उतारा, मगर बीजेपी ने क्या किया, सारे धन्ना सेठ उतार दिए। मगर इन सेठों के आगे साथियों, ये बड़े बड़े पैसे वाले मगरमच्छों के आगे ये हमारी सूदी गाय है, इसके बलि ना चढ़ा दिए। अब आपकी जिम्मेवारी है इसको जिताने की। ये सोच लेना कि आपका दिया गया एक एक वोट, पाई गांव का दिया गया एक एक वोट, आज कुंडरी हल्के का दिया गया एक एक वोट, जहां राजू को तो जिताएगा, वहीं दुष्यंत की ताकत बनकर विधानसभा में आपको ताकत देगा। मैं तो यही निवेदन प्रार्थना करने आया था। एक विश्वास तो जरूर आज आपसे लेकर जाना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि भाई इसको मानते हो कि ये राजू की टिकट नहीं है, पाई की टिकट, तो हाथ ठाके अपना विश्वास दिलाओ कि पूरा पाई देख लो, हाथ ठा रहे हो, इज्जत रखोगे नहीं रखोगे? मेरे को सज्जन सिंह जी को भी मेरी तरफ से निवेदन कर देना कि छोरा उनका है, गांव की टिकट है, जो जो यहां से मैदान में है सबसे आग्रह करो कि इसका समर्थन नहीं, गांव पाई का समर्थन करने का काम करे। और पाई उठ गया, पाई ने लड़ाई ले ली, फिर पुंडरी के इस गढ़ को एक तरफा जीतने का भी आप काम करोगे। साथियों, मैं तो अंत में यही बोलना चाहूंगा कि अब आपकी जिम्मेवारी है घर घर जाकर पार्टी की घोषणाओं का प्रचार करो, चाहे नौकरियों के अंदर, या डी ग्रुप के अंदर, चाहे ये हमारी एसटीओ इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भेदभाव सरकार ने किया है इसको समाप्त करने के लिए। आपकी पार्टी का निर्णय है कि प्रत्येक रोजगार के अंदर हरियाणा प्रदेश के 75% हिस्सेदारी हरियाणा के मूल बच्चों को देने का हम काम करेंगे। भाई, जहां बुढ़ापा पेंशन की बात है, खट्टर साहब ने तो 5 साल में बुढ़ापा पेंशन की हालात ऐसी कर दी कि बूढ़े बुजुर्गों को दो दो तीन तीन महीने तक पेंशन नहीं मिलती, बैंकों के बाहर जाकर बैठना पड़ता है धूप में बारिश में, तब जाकर कहीं 2000 का एक नोट हाथ में आता है। इस व्यवस्था को बदलना है। जब एक कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है, तो साथियों हमारे बूढ़े बुजुर्गों को 60 का इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमारी चाचियां बैठी है 55 साल की उम्र में पेंशन बांध दूंगा, हमारे ताऊ बैठे हैं 58 साल की उम्र में डालने का काम करूंगा। और तो और, ये वादा मेरा है, जैसे चौधरी देवीलाल जी पेंशन भेजा करते थे, हर महीने पटवारी आके घर में पेंशन दे के जाने का काम करेगा, बैंक में जाने की जरूरत नहीं। और पेंशन भी कितनी, 2 नोट 2000 के, 2 नोट 500 के, और एक बैंगनी रंग का नोट 100 का, पूरे 5100 रुपए देने का काम करेगा। और साथियों, 5100 जब दो आएंगे ताऊ के और ताई के, तो 10200 घर के हर महीने के बादशाह गड़ेगा नहीं गड़ेगा घर में। साथियों, प्रचार करो कि जब आपका राज बनेगा तो कैंसर जैसी, काले पीलिया जैसी बीमारियों से जो आज लाखों लाखों रुपए गरीब आदमी के लगते हैं, लोगों को अपने घर बेचने पड़ जाते हैं और फिर भी पूरा इलाज नहीं मिल पाता, उसके लिए हमने निर्णय लिया है, चाहे आप जाओ मेदांता में, चाहे आप जाओ फोर्टिस में, किसी अस्पताल में भी इलाज करा लेना, जानलेवा बीमारियों का इलाज पूरी तौर पर इस प्रदेश में हरियाणा वासियों के लिए मुफ्त में आपकी सरकार उठने का काम करेगी। साथियों, वहीं आपको ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज पीने की समस्या पानी की घर घर तक पहुंच चुकी है, उसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हर गांव में, हर शहर के वार्ड के अंदर बड़े कमर्शियल आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ पानी पीने का हर घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी गांव में पैदा होंगे। और तो और, एक समस्या बहुत बड़ी जिससे हमें सबको मिलकर लड़ना है,
खट्टर साहब के 5 साल के झूठे राज के अंदर हरियाणा प्रदेश में अपराध की एक सीमा इतनी ऊपर चली जा चुकी है कि आज हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, हरियाणा की हालात क्या है? हर रोज एक मर्डर होता है, 3 रेप होते हैं, 4 डकैती होती है। कल भी तितरम के अंदर बड़ी दुखद घटना थी, मन रोने को हो गया था जब पता चला कि 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, उसके हाथ पांव काट दिए गए। साथियों, ऐसे दरिंदे हमारे प्रदेश में क्यों पैदा हुए? क्योंकि खट्टर साहब इन गुंडों के नकेल नहीं कस पाए। साथियों, नशे का व्यापार कितना बढ़ चुका, आज घर घर तक चिट्टा पहुंचाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। साथियों, एक और ऐसा ही आतंक है, ऐसा ही खतरा है, और वो है आवारा पशुओं का। अभी मैं जब पुंडरी से पाई तक आ रहा था, ये साथी मोटरसाइकिल पे तो जोश में आ रहे थे, पर मुझे डर ये था कि खागड़ इनके सींग ना मारे। साथियों, ये हालात है, खेत में खागड़ घुस जाए तो ऐसा लगता है कि कंबाइन सी खेत में कोई फेर के चला गया। इसलिए वादा मैं आपको करता हूं कि आपका राज बनने पर 1 महीने के अंदर इस प्रदेश से खागड़ों और गुंडों और ड्रग बेचने वालों से मुक्ति दिलाने का काम आपकी पार्टी करेगी। साथियों, मेरी बेनती है, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे प्रदेश के अंदर छोरियों के लिए PhD तक की शिक्षा मुफ्त करने की बात हो, चाहे कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के बराबर पंजाब के समान वेतन और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो। ये कई RMP डॉक्टर आए हुए थे हमारे, कह रहे थे हमारा भी कुछ कर दो। ये वादा मेरा है, RMP डॉक्टर्स के लिए एक कोर्स बनाया जाएगा 6 महीने का, और कोर्स क्वालिफाई होने वाले को फर्स्ट एड की परमिशन दी जाएगी, जिनकी इनकी भी रोजी रोटी ना छीने। साथियों, ये तमाम घोषणाएं आपके बीच में, घर घर जाओ, इनका प्रचार करो, एक एक व्यक्ति तक इन घोषणाओं को पहुंचाने का काम करो, और यही उम्मीद करूंगा कि साथियों, ये जैसे खट्टर साहब बारी बारी घूमते फिरते कह रहे हैं ना कि अब की बार 75 पार, 21 तारीख को इतना चाबी का बटन दबा दो, इतना चाबी का बटन दबा दो कि जब 24 तारीख को मशीन टी टी करे तो फिर 75 पार भी ये धोती पकड़ के दिल्ली बॉर्डर भाग के पार करने का काम करें।